अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है मैथ सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 3 और ax + x, ठीक है, यानी a - x। तो हमने इसका फाइंड क्या करना है, d ओवर dx हमने फाइंड करना है। चलो हम देखते हैं, ये एक क्वेश्चन रूल लेक्चर नंबर जो मेरा 5 है ना, वो आप देखेंगे, जैसे कि पावर रूल था हमारा, प्रोडक्ट रूल था, इसकी तरह क्वेश्चन रूल था, ये इस चीज़ को देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी। इसमें पता है क्या होता है, इसमें दो फंक्शन होते हैं, वो डिवाइड हो रहे होते हैं। वो दो फंक्शन क्या है, पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक f(x) होता है एंड एक g(x) होता है, ठीक है। ये इसी तरह से इसको याद रखना, इस फार्मूले को, तो ये सारी चीज़ें फिर आएंगी। तो f(x) आपका फंक्शन होता है, तो करना क्या होता है कि पहले चलो ऊपर वाला जो है ना, आपने ऊपर वाले का जो कि आपने डेरिवेटिव लेना होता है, नीचे वाला एज इट करना होता है। चलिए हम करते हैं, ये क्वेश्चन रूल है, कौन सा क्वेश्चन रूल, आप ये लेक्चर देखेंगे वहाँ पर भी आपको समझ आएगी, एक दफ़ा देख लें उसकी एग्जाम्पलें देख लें। तो क्या करना है, आपने जो नीचे वाला है इसको एक दफ़ा एज इट कर देना है और पहले वाले का डेरिवेटिव ले लेना है, इसको ऐसे लिख लेना है, और इसका क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ये माइनस जो होता है ये फार्मूले का होता है, फिर क्या है? ये एज इट कर देना है, यानी कि ऊपर वाला जो कि नीचे वाला एज इट कर देना है, g(x) आएगा, g(x) यानी कि जो आपने क्या किया था, एज इट किया था, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये हम एज इट करेंगे, क्या कौन सा f(x) यानी कि, और g(x) का हम डेरिवेटिव लेंगे, यानी कि इसका डेरिवेटिव अब लेंगे, ये जो नीचे फंक्शन पड़ा होगा इसकी आपने पावर ले लेनी, क्या ले लेनी है, पावर, यानी कि स्क्वायर ले लेना, अंडरस्टैंड। अब मैं इसका लेता हूँ डेरिवेटिव, तो ये क्या है, g(x) ऐसे, ये इसका डेरिवेटिव लिया प्राइम के अंदर, तो क्या आ जाएगा, f(x) आ जाएगा प्राइम, माइनस ये क्या है आपका f(x) ऐसे, ठीक, और g(x) का मैंने डेरिवेटिव लिया तो ये जी प्राइम आ जाएगा, अंडरस्टैंड। यहाँ तक आपको समझ आ रही है, नीचे बटा, अंडरस्टैंड, ये इसकी पावर ऐसे। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, ऐसे ही हम डेरिवेटिव लेंगे, ठीक है। ये आपने फार्मूला याद रखना है, ठीक है, क्वेश्चन रूल का, तो इंशाल्लाह आपको ये क्वेश्चन रूल वाले जो क्वेश्चन हैं बटे के अंदर वो आ जाएंगे। चलें अब लिखते हैं इसको, वाई के बराबर लेट कर लिया हमने, a + x एंड a - x, ये कर लिया। अब इस पर हम क्वेश्चन रूल अप्लाई करेंगे जो आप कर रहे थे, ठीक है। तो y, ये हमारे पास स्टार्ट हो गया सॉल्व, तो दोनों तरफ आपने डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना, क्या कर देना है, दोनों तरफ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देना है। स्टेप के अंदर करता हूँ, ये हो जाएगा d ओवर dx, यानी कि y के साथ किया, इधर यानी कि ये वाला सीन कर रहे हैं, ये वाला हमने डेरिवेटिव, ये वाला, तो a + x, ठीक है, और क्या है a - x। यहाँ तक आपको आगे समझ जी। अब क्या करना है, आपने अब इसको खोलें, ठीक है, क्वेश्चन रूल अप्लाई करें, तो करना क्या था, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे वाला एज इट कर देना था, उसको ऐसे ही लिख लेना था, d ओवर dx, नीचे वाला क्या है a - x, ये ऐसे लिख लेना, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेना, यानी कि ऊपर वाले का a + x, बीच में फार्मूले का एक, फिर क्या है? फिर नीचे वाले का जो कि आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना, और इसको ऊपर वाले को एज इट कर देना है,
अब नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव लेना, पहले नीचे वाला एज इट किया था, अब हम ऊपर वाला कर रहे हैं। और नीचे क्या था, हाँ आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूल तो जी ऑफ एक्स था, इसका क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स का स्केयर आ जाएगा। अंडरस्टैंड, यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, अब इसका डेरिवेटिव लें, इसका डेरिवेटिव आप लेंगे तो क्या आएगा, डी ओवर डी एक्स, तो ये आपका ऐसे ही रहेगा। अब इसका डेरिवेटिव लें, हर कांस्टेंट का डेरिवेटिव जो कि ज़ीरो होता है, ठीक है, ये भी एक कॉन्स्टेंट है लग गया, तो फिर इसका भी ज़ीरो होगा और इसका डेरिवेटिव एक आएगा, तो आप इधर जाके डेरिवेटिव ले सकते हैं। तो इधर एक सेपड़ा आप जाके ले लें इसका डेरिवेटिव, किसका भला, इसका ए प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव लिया एक, एक दफ़ा ए का लिया तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, और फिर एक्स का क्या लिया तो वो क्या आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव वन आ जाएगा, ठीक है, लिहाजा यहाँ पे वन माइनस फार्मूले का। फिर क्या करना है, फिर ये एक ऐसे ही लिखा रहेगा, तो अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा आपका, क्योंकि इसके अंदर माइनस है तो लिहाजा फिर हमारे पास माइनस आएगी, ये माइनस एक्स, तो ए का जो है हमारा ज़ीरो हो गया और माइनस इधर आ गई, मतलब डेरिवेटिव लेने से पहले हमने माइनस कर दी, तो ये एक्स का डेरिवेटिव जो ये ऐसे किया मैंने, ठीक है, माइनस एक आ जाएगा, इधर आपने माइनस एक लिख देना। अंडरस्टैंड, नीचे वाले को नहीं छेड़ना, नीचे वाला ऐसे ही रहने देना, ए माइनस एक्स, ये आपने सिर्फ ये फार्मूला जेहन में रखना, बाकी आपको सारा तरीकाकार आ जाएगा। अब क्या है, डी ओवर डी एक्स, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्स। अब ये क्या है, अब आपने इसके अंदर देखना है, एक दफ़ा इसको माइनस ऐसे ही, अब इसके साथ आप ये माइनस इधर क्या कर देगी, प्लस कर देगी, तो ए एक्स माइनस ये आ गया, ये नीचे ए माइनस एक्स का स्केयर। अंडरस्टैंड, अब क्या करना है, डी ओवर डी एक्स, अब इसको जो कटते हैं वो काट देने आपने, ये a माइनस का ये x, ये प्लस a का ये a आ जाएगा और माइनस x, a माइनस x का स्क्वायर, ये इससे इससे कट जाएगा, तो ये बाकी क्या बचेगा, 2a ओवर a माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन रूल के मुताबिक आपने देख लेना है ये क्वेश्चन, और बिल्कुल इजी है, बिल्कुल आसान है, ये सिर्फ एक फार्मूला जहन रखें जो कि जहन में आपने सेव कर लेना है, ठीक है, और उसके बाद जो है आपने ये काम करना है, ठीक है, ये आपने इसका जहन में रखना है। ये चैप्टर नंबर 2 था और एक्सरसाइज 2.3 थी, ठीक है, जो आपने करनी थी, और ये सेकेंड ईयर आपकी मैथ है, तो आप इस क्वेश्चन को करने से पहले जो 6 क्वेश्चन हैं, डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट रूल, डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव ऑफ पावर रूल, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे पहले आप 6 लेक्चर देख लें, फिर इस पे आएंगे, इंशाल्लाह आपको कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, ये तरीकाकार अच्छा लग रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।